हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आ गया हूँ मैं। तो आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में। कुछ कोर्स है जो चीप है, और आपको बता दूँ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हैकिंग ब्लैक हैट हैकिंग कोर्स। तो आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं उसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब आपको बताते हैं हैकिंग, जो कि सबसे चुनिंदा चॉइसी कोर्स है लोगों का, और ये आने वाले समय में, आने वाले दौर में इसका डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। करके कमी है अभी, जो बताते हैं कि वल्नरेबिलिटी जो भी है सिक्योर करते हैं। एथिकल हैकिंग कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो हम बात करेंगे, तो इस कोर्स में, तो ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि ये कोर्स आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रहा है। तो गाइस, प्राइस आप देख सकते हो 10,000 तक के कोर्स बिकता है, लेकिन इस भाई ने सिर्फ 99 रुपीज़ में वो जाकर आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। सब में इसका कोर्स का डिटेल्स वगैरह, वो भी बेसिक से नेटवर्किंग के साथ, सभी ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स है। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं 99 रुपीज़ में। तो गाइस, कोर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके बारे में कैसे बाय करना है। तो जैसे, तो गाइस मैं अभी बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो इसमें आपको अपना नेम डालना पड़ेगा, तो मैं डाल देता हूँ, और ईमेल भी अपना डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर भी डाल देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे देखिए भीम UPI, जो कि गूगल पे, फ़ोन पे या जिससे कर सकते हैं, फिर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग या कोई भी आपका बैंक से कोई नेट बैंकिंग एक्सेस है तो आप वहाँ से दे सकते हैं, वॉलेट्स या डायरेक्ट पेटीएम से दे सकते हैं, फ़ोन पे जो भी है, पे लेटर या बाद में पे कर सकते हैं, नेफ्ट या बैंक ट्रांसफ़र से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे किस किस से सिक्योर हुआ है, देखिए। तो जो ये 108.39 इसलिए हुआ है क्योंकि ये GST और SGST इस कोर्स को एक्सटर्नली देना पड़ता है, ये खुद से दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आगे का आप देख लीजिए, यहाँ उसका नंबर है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नाम युवराज है, तो और मतलब बेसिक्स हैं, तो आपको बता दूँ एडवांस वाईफाई हैकिंग, जो वाईफाई जो नियर बाय आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स में वाईफाई होंगे उनको हैक करने का सिखाया जाएगा। एंड्रॉयड हैकिंग, एंड्रॉयड के अंदर हैकिंग, जो कि मतलब एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ के साथ। उसके बाद एंड्रॉयड स्क्रीन लॉक क्रैकिंग, जैसे कि मतलब आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा और आपको उसका पासवर्ड भूल गए हो, तो उसके बारे में बताया जाएगा। फिर अटैक एंड डाउन ऑल वाईफाई नेटवर्क्स इन योर एरियाज, अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो उसके सभी दूसरे कनेक्टेड यूज़र्स को कम नेटवर्क के साथ, अपने आप को अपना ज़्यादा नेटवर्क के साथ, स्पीड के साथ उस वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए और बाकी सारे को डाउन करवा दीजिए। बेसिक्स ऑफ लिनक्स, जो कि लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप आराम से हैकिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद है बेफोर वैन अटैक, वैन अटैक जो वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर जो अटैक होता है। तो फिर ब्लैक हैट मेलिंग, जो कि है मतलब जब हैकर्स आपको कोई गलत मेल कर देते हैं, उसी मेल के अंदर कोई लिंक दिया जाता है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका फ़ोन हैक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मालवेयर्स या जो भी हार्मफुल वायरसेस होते हैं। उसके बाद बग बाउंटी इंग्लिश, ये मेरे दिमाग के बाहर है क्योंकि मैंने अभी तक इतना तहकीकात नहीं किया। कार्डिंग, जो आपका वर्चुअल कार्डिंग कर रहता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कर रहता है। उसके बाद CCTV कैमरा हैकिंग, जो कि आपने स्लीपिंग नहीं वॉच स्लीपिंग डॉग्स गेम में देखा होगा, वो जाता है और हैकिंग करता है, तो पुलिस को बताता है ये है इसका, तो पुलिस आकर पकड़ लेती है। क्रैक एनी सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप कोई पेड सॉफ्टवेयर को मोड़ पी के बनाते रहते हैं, तो उसके बारे में बताइए इस कोर्स में बताया जाएगा। डॉस एंड DDoS अटैक, ये मुझे भी पता नहीं। ईमेल बॉम्बिंग, यानी कि जैसे आप व्हाट्सएप पे
एक ही बार में हज़ारों मैसेज कर देते हो, जैसे कि एक के बाद एक हज़ारों मैसेज जैसे जाते हैं, या कॉल बॉम्बिंग जैसे एक ही बार में बहुत सारे कॉल्स वगैरह जाते हैं, वैसे आप ईमेल बॉम्बिंग कर सकते हैं। और ईमेल हंटिंग यानी कि मतलब ईमेल को हैक करना और उस पर एक्सेस पा लेना। हैक विथ वायर्स आगे एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर से आप जो ओपन सोर्स ये है जैसे कि टर्मक्स है वैसे ये है। फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जैसे कि आपके पास कोई कोई बेसिक आदमी का कोई एक सोर्स है तो उसके ज़रिए आप उस आदमी का टर्मक्स के अंदर या उस कोर्स के अंदर किसी और सॉफ्टवेयर से आप कुछ कमांड्स देकर आप उस कोर्स के बारे में उस कोर्स से उस आदमी या पर्सन जो भी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। मेकिंग मनी ऑनलाइन, ये आजकल के ज़माने का मेन जरिया हो गया है मनी बनाने का, तो ज़्यादातर लोग बाहर जाकर कमाना नहीं चाहते हैं। MITM एम अटैक ऑन HTTPS है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्विस है जो कि एक वेबसाइट को सिक्योर बनाता है ताकि मैन इन द मिडल अटैक जो MITM है वो हैकर्स ना परफॉर्म कर पाए। लेकिन अब ये भी भाई, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, तो कुछ भी कर सकता है आदमी। तो ये जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, कोर्स या कुछ में पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो तभी हैकर उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बीच में आपके और उस वेबसाइट के कनेक्शन के बीच में है कि हैकर जो है आपका पैसा गायब कर लेगा और उस वेबसाइट के ओनर तक पैसा नहीं जा पाता है। मैन इन द मिडल अटैक हो गया। फिर उसके बाद मोबाइल वेरिफिकेशन बाईपास, जैसे कि कुछ OTP वेरिफिकेशन रहते हैं, जैसे कि आप गूगल साइन इन करोगे तब ये OTP आएगा, कुछ एप्लीकेशन में साइन अप कर रहे हो तब OTP आएगा, तो उसको कैसे बाईपास किया जाए। पोर्ट फॉरवर्डिंग विथ राउटर्स, राउटर्स को हैक करके उनसे कनेक्शन कैसे लिया जाए, इंटरनेट फ्री में कैसे लिया जाए। पावरफुल डॉक्सिंग, ये मुझे बतानी। फिर रिकॉग्निशन, ये कुछ रिकॉग्निशन के बारे में होगा जैसे बारकोड डेटा वगैरह के कुछ ये होंगे। फिर उसके बाद सिम क्लोनिंग, सिम जो कि सिम कार्ड आप डुप्लीकेट गायब हो जाने के बाद डुप्लीकेट लेते हो, तो वैसे का ही आप घर बैठे ऐसे कोर्सेज के अंदर से ये सब नॉलेज ले सकते हैं जिससे कि आप आगे जाकर किसी भी वेबसाइट कंपनी या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक सिक्योर पर्सन होंगे जो उनके सभी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए आप एक जरिया होंगे जिससे कि वो अपना हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह सेव कर सके। ये गाइस सुन लो, ये एथिकल हैकिंग है, ठीक है, ये बोला गया है सिर्फ ब्लैक हैकिंग हैकिंग, क्योंकि ज़्यादातर एथिकल हैकिंग में ना ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। सोशल इंजीनियरिंग, जैसे कि आप सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या है कि आप सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हो उसके अंदर पैसे कैसे कमाए जाएँ, उसके अंदर का कैसे आप कुछ करके पैसे कैसे कमाएँ, उसके अंदर जो एड्स वगैरह दिखते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर वेबसाइट वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, तो जैसे ये आप मल्टीनेशनल के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी का कोई कोई सेटअप है तो उसका बिजनेस है, उसे और फैलाना है उसे, तो वो वेबसाइट क्रिएट करेगा और उसके अंदर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी वो करेगा ओनर, तो फिर उसके लिए कुछ आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको बताना होगा ये वल्नरेबिलिटी रे है, इसके लिए ऐसा ऐसा ये रे लगाना पड़ेगा, मुझे इतनी चार्जेस चाहिए, आप ऐसा बोल के पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना इतना बताना है और हो जाएगा। फिर विंडोज़ हैकिंग, अब एंड्रॉयड हैकिंग के बाद विंडोज़ हैकिंग, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, अब ये विंडोज़, विंडोज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, मैक वगैरह तो कम है क्योंकि भाई हम इंडियन हैं। फिर उसके बाद यू शुड नो बिफोर हैकिंग, ये एक मुझे लगा ये सबसे ऊपर डालना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। और एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, ट्रेसिंग एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि आप किसी की भी IP एड्रेस से जैसे उसका एग्जैक्ट लोकेशन का पता करते हैं वैसे ही उसके एग्जैक्ट लोकेशन पर पता करके उसको हैक भी किया जा सकता है, IMEI नंबर से भी हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो इंस्टा मोजो, मतलब ये इसमें MITM जो कि मैन इन द मिडल अटैक हो नहीं सकता क्योंकि इंस्टा मोजो एक ट्रस्टेड साइट है जो ऑनलाइन पेमेंट्स को सपोर्ट करता है। तो गाइज बस यही बताना था, मैं पर्सनली आपको प्रेफर करूँगा कि आप ये ले लें, वैसे आपको दुनिया भर मिल जाएंगे कोर्सेज आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो, जैसे कि आपको मिलेगा साइबर सिक्योरिटी का CEH V10 आ चुका है, आप वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्निकल सागर जो प्रोवाइड करते हैं वो भी ले सकते हैं आप, बहुत सारे चैनल से वो भी प्रोवाइड कर देते हैं,
लेकिन भाई मतलब मेरे को तो ये दिल से अच्छा लगा, तो बस इतना ही धन्यवाद। और इसके अंदर आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको 3.3 GB का एक फाइल मिलेगा, उसके एक्सट्रैक्ट करके वो 12 GB हो जाएगा। ये होने के बाद आपको एक PDF दिया जाएगा, PDF में सभी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से समझ जाएंगे क्या क्या। और एक बात आपको बताना भूल गया मैं, क्योंकि जो आप अगर आप इसे अभी बाय करते हैं तो आपका योगदान होगा जो लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र डोनेट करने में, तो जो इसका ओनर है, इनमें सोशल वर्क करते हैं,